तो चलिए गाइस अब इसका चेक करते हैं क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए ये अच्छा तरीके से ऑन हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं क्या करने वाला हूँ ना उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस आज नेकबैंड ब्लूटूथ है जो हमारे पास में ये रिपेयरिंग के लिए आया है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ना कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो मतलब देखिए जैसे कि स्पीकर होता है, दो स्पीकर होते हैं ना हेडफोन वाला, तो ये सरक जाता है, ठीक है, ये सरक जाता है जैसा कि इसमें सरक गया है। आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वायर छोड़ चुका है। तो कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आता है कि वायर जो ये है ना, ये वायर कहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और बैटरी का कौन सा है इसमें वायर, और हेडफोन का वायर कौन सा है, हेडफोन के जो इसका है जो स्पीकर का वायर कौन सा है, और ये बैटरी का वायर कौन सा है इसमें से, तो सभी को समझ में नहीं आता। तो गाइस आज मैं ना इसी का वायर को सोल्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको कि कौन वायर किसका है। तो मैं आपको बता देता हूँ ना गाइस, देखिए ये जो वायर है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये वायर है ना, ये बैटरी का माइनस वायर है, ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये प्लस वायर है, ठीक है, ये रेड वाला प्लस वायर है और ये माइनस है, ठीक है। तो गाइस ये प्लस वायर है, ये बैटरी का, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी, आपको दिखाई दे रहा होगा बी पॉजिटिव, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रेड वायर है जो जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस में, बैटरी में माइनस है, तो यहाँ पे ये वायर जोड़ दीजिएगा तो ये बैटरी का हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ ना कि इसमें जो हो गया है ना, और यहाँ पे ना ये है एयरफोन का, ठीक है, तो एल लिखा हुआ है, एल प्लस और एल माइनस, तो उसके बाद जो स्पीकर का वायर है तो वहाँ पे देखिए ये ब्लू वाला है, ये प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल प्लस वहाँ पे जाएगा, और ये जो हरा वाला है ये माइनस में जाएगा, ठीक है गाइस, ये वाला हुआ ये माइनस में जाएगा, ठीक है, ये माइनस में जाएगा, ये हरा वाला वायर है ना ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों आप वायर को ना एक ब्लेड से चारों तरफ से छिल लीजिएगा, ठीक है, छिलने के बाद ना आपका यहाँ पे ना जो सोल्डिंग होगा ना वो परफेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि मैं छिल रहा हूँ इसी प्रकार से आप ब्लेड लेकर चारों तरफ से छिल दीजिएगा। इस पे ना इस पे पेंट मारा हुआ रहता है वायर पे, इसलिए आपको छिलना पड़ेगा ताकि परफेक्ट सोल्डिंग हो सके, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं फटाफट आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। जब तक मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ ना, जब तक आप क्या कीजिए ना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ, और सोल्डिंग करने के बाद में आपको परफेक्ट तरीके से सोल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा सोल्डिंग हो रहा है, देखिए मेरा वायर। तो फ्रेंड मेरा फाइनल कनेक्शन हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, देखिए मेरा कनेक्शन हो गया। तो चलिए मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। चेक करते हैं क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए ये अच्छा तरीके से ऑन हो गया है, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास में सबसे पहले पहुँचे।